अमीन, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज प्लीज कुछ खा लीजिए। अमीन मैंने नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। मैंने प्लीज जिद मत कीजिए, प्लीज थोड़ा सा खा लें। कह दिया ना एक बार, मुझे नहीं खाना का मतलब नहीं खाना। समझ में नहीं आती एक दफा की बात? अपनी माँ को जीते जी तुमने इस काबिल छोड़ा नहीं कि वो जी ले। तुम कहते हो कि तकलीफ में भी नहीं देख सकते, अजीब बेटे हो तुम। भाई तो बहनों का मान होते हैं, माओ का सहारा होते हैं। तुम कैसे इतने खुदगर्ज निकले कि अपनी खुशियों के लिए तुमने अपनी बहन को बर्बाद कर डाला, उस एक मामूली सी लड़की के लिए। अगर महनूर को इस घर में ना लाते ना, तो मेरी बेटी का घर बर्बाद ना होता। उस मामूली सी लड़की की वजह से कुछ नहीं हुआ अभी। इन सारी चीजों का कसूरवार अगर कोई है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अब चाहे तो आप मुझे जान से मार दीजिए। सजा तो मेरी बेटी काट रही है ना, और जो आपके बेटे ने कुर्बानियां दी है, और जो सजा मैं काट रहा हूं, उसके बारे में क्या? परीम को तो मैं संभाल लूंगा अम्मी, लेकिन मुझे कौन संभालेगा? गुनाह करके भी तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। किसी लड़की का घर टूट जाना मौत से कम नहीं होता। मैं जानता हूं कि हर बात सब करीम के रिश्ते की जमानत मान उड़ते। और मैं उसी को तलाक के कागजात दे आया हूं। बदकिस्मती ये है अम्मी के, वो भी एक औरत है। मुझे याद है बचपन में अम्मी तुम्हें अपने हाथों से निवाले बना के खिलाती थी, और हम दोनों नाराज हो जाते थे। फिर अम्मी हमारी नाराजगी को दूर करने के लिए अपने हाथों से हमें खिलाया करती थी, ताकि हम बहनों में कभी कोई फर्क ना आए। याद है? याद है, ये अम्मी की तरबियत ही तो है जो आज तक हम सब साथ हैं। हाँ, लेकिन शायद हम में से कोई एक वो तरबियत को भूल गया, और उसने अपनी माँ की कुर्बानियों के आगे अपनी मोहब्बत को तरजीह दी, जबकि माँ की ममता कहीं ज्यादा ऊपर है कि वो शोहर की मोहब्बत को भी भुलाने में मदद करती। शायद शोहर का रिश्ता ही इतना मजबूत बनाया है अल्लाह ने। निकाह की दो बोल बोलते ही लड़की माँ की ममता भूल जाती है और शोहर के आंगन में बस जाती है। शोर चाहे जैसा भी हो, शोहर की मोहब्बत ही हर रिश्ते पर हावी हो जाती है। जो कुछ भी है, लेकिन सानिया आप ही ने इमाद भाई का साथ देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, अगर यही काम फरहान ने किया होता ना, तो सब मिलकर फरहान का जीना हराम कर दिया। ठीक है, शौहर का साथ देती है औरत, लेकिन नाजायज हक खाने वाले को तो अल्लाह पाक भी माफ नहीं करता। अब क्या लेने आए हो तुम यहां अरबाज़?